स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ चंडीगढ़ का रॉक गार्डन दिखाने। अगर आप चंडीगढ़ में घूमने आ रहे हैं तो रॉक गार्डन जरूर देख के जाएं। तो इस जगह की क्या लोकेशन है, टिकट प्राइस है, टाइमिंग्स हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस गार्डन के फुल टूर के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन और इसकी लोकेशन है सेक्टर 1 उत्तर मार्ग चंडीगढ़ में। और वहाँ सामने सुखना लेक है, आई थिंक यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे होगा सुखना लेक। और इस तरफ यहाँ पे है रॉक गार्डन। यहाँ सामने रॉक गार्डन के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, समर के अलग टाइमिंग्स है, विंटर के अलग टाइमिंग है। समर यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक के टाइमिंग्स हैं। और विंटर्स 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक के टाइमिंग्स हैं। यहाँ तक कि आपको लोकल बस भी मिल जाएगी और आप टैक्सी से भी यहाँ तक आ सकते हैं, ये बैटरी कार लेके भी यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग यहाँ पीछे अवेलेबल है। पार्किंग के सारे रेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। मिनी बस टूरिस्ट बस के 100 रुपये के चार्जेस हैं, इनोवा क्वालिस के 40 रुपये, फोर व्हीलर के 20 रुपये, टू व्हीलर के 10 रुपये, साइकिल के 5 रुपये, हेलमेट के 2 रुपये। ये जो गार्डन है ये 12 एकड़ में फैला हुआ है और ये गार्डन पद्मश्री नेकचंद जी ने बनाया था। अर्बन वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके क्रिएटिव पैटर्न्स और टेक्सचर में बदल दिया गया है। रॉक्स को आर्ट ऑब्जेक्ट्स में बदल दिया गया है। तो रॉक गार्डन के अंदर अगर आपने जाना है तो उसके लिए आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी। ये टिकट काउंटर यहाँ पर बनाया हुआ है, वहाँ सामने से एंट्री है, इधर टिकट काउंटर दिख जाएगा। ये टिकट के रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अडल्ट की 30 रुपये के चार्जेस हैं, जो कि 10 साल से ऊपर के उनके 30 रुपये के चार्जेस हैं। और चिल्ड्रन जिनकी 3 से लेकर 10 साल की उम्र है उनकी 10 रुपये की टिकट है। और बच्चे जिनकी 3 साल से कम उम्र है उनकी टिकट यहाँ बिल्कुल फ्री है। बाकी आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं चंडीगढ़ टूरिज्म ऐप पर जाके, जो कि आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बट उसके आई थिंक आपके 5 रुपये ज़्यादा लगेंगे टिकट के। तो ये हमने टिकट ले लिया और हम अंदर एंटर करने वाले हैं रॉक गार्डन के। सारा का सारा गार्डन आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। स्टार्टिंग में देखिए ये रॉक स्कल्पचर सा बना हुआ है, ऐसे कई स्कल्पचर से बने हुए हैं जिनके साथ आप फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। रॉक गार्डन अ फैंटेसी क्रिएटेड बाय नेकचंद, डेडिकेटेड टू द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और इसका उद्घाटन हुआ था July 7, 1988 को। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं। स्टार्टिंग में इस तरीके का पैटर्न सा बनाया हुआ है एक तरह का, फ़ोटो शूट करने के लिए अच्छी जगह है काफ़ी। रॉक गार्डन अलग अलग टाइप के स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। आगे तो काफ़ी बढ़िया व्यू है, एक तरह की छोटी वाटरफॉल भी आएगी आगे, एक तरह से भूल भुलैया भी है। किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है समझ नहीं आता। होते नहीं क्रॉकरी टाइप, उनको यूज़ करके बनाया गया। ये देखिए बाउल के पीसीस, प्लेट के पीसीस, ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग कलर्स के लगे हुए हैं। ये वेस्ट मटेरियल है सारे, जो होते नहीं पार्ट्स है शायद बिजली के बोर्ड के, वो सब लगाए हुए हैं यहाँ पे। टेक्सचर सा देखिए कैसा सा बन गया। और इधर ये मटके वगैरह, मतलब एक तरह से इधर से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं ना, तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड आया क्या इसका। कलरफुल टाइल्स का यूज़ करके कितना शानदार ये रॉक गार्डन बनाया हुआ। किस तरफ आपको जाना है रास्ता बताते रहेंगे, ये कह रहे हैं उस रास्ते पर जाना, चलो इस रास्ते पर चलते हैं। तो ये जो आप हट देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाले हट से नेकचंद जी ने शुरुआत करी थी ये रॉक गार्डन बनाने की। और अब इस तरफ जाकर रास्ता काफ़ी पतला सा हो जाता है, देखिए काफ़ी पतला रास्ता, ऐसा लग रहा है किसी जंगल के अंदर हम आ गए हैं। और इधर भी यहाँ पे लोग फोटो ले रहे हैं देखिए। और यहाँ पे ये वाटरफॉल सी बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल वाटरफॉल है। हॉन्टेड हाउस लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे ये स्टेप से बनाए हुए हैं, पता नहीं इस पर बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते, आई थिंक शायद इस पर बैठ सकते हैं। और रात थोड़ी सी हो जाती होगी तो और अच्छा व्यू दिखता होगा। ये देखिए सामने यहाँ पे वाटरफॉल है, ये बेस्ट लोकेशन है फ़ोटो शूट करने के लिए रॉक गार्डन के अंदर। इधर भी एक और एरिया देखिए, थोड़ा सा ऊपर को चलते हुए आपको जाना होगा, ऐसा लगे जैसे किसी पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। उधर से आपको दिखाया था ना वाटरफॉल, उसके पीछे हम, ऐसा लगता है जैसे किसी मतलब जंगल के अंदर हम आए हैं।
रास्ते तो ऐसे समझ नहीं आता किस तरफ से जाएं आप, इधर से जाएं या उधर से जाएं। ये देखिए वही वाटरफॉल सा आ गए यहाँ पे, इधर के एरिया में यहाँ से ऊपर नहीं आ सकते, पूरा गोल घूम के यहाँ तक आना पड़ेगा। ये पेड़ है क्या है समझ नहीं आता, देखिए इसका ऐसा लग रहा है रूट्स हैं, बट एक्चुअली ये रूट्स नहीं है, रॉक से ही बनाया हुआ। इधर को भी एक अंदर रास्ता जाता है, चलो अब इस वाले रास्ते से अंदर को चलते हैं। इस वाले रास्ते बड़े पतले से रास्ते हैं रॉक गार्डन के, और अपना सिर बचा के, खासकर जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लंबी है। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि थोड़ा सा रॉक गार्डन देख के चले जाते हैं, बट एक्चुअली एक आगे का भी रास्ता होता है रॉक गार्डन देखने का। इधर देखिए गुड़िया वगैरह बैठी हुई है, रॉक से बनाई हुई है शायद ये, हाँ रॉक से ही बनाई हुई है। जाता है बस ऊपर ही ऊपर आप जाते जाइए, माइंड योर हेड। और छोटा रास्ता आ गया, तो सारा रॉक गार्डन इस टाइप से बनाया हुआ, और ये शायद एक कुआं है, ये कुआं बनाया हुआ, बट इस पर वो लगा नहीं हुआ जिससे पानी निकाले बाहर यहाँ का। जिनकी हाइट ज़्यादा है उनको सही में बड़ी तकलीफ़ होगी, खासकर जब वो ऊपर की तरफ जाएंगे। इधर डॉल म्यूजियम फेज 3 है और इधर एग्ज़िट है, आपको डॉल म्यूजियम फेज 3 दिखाते हैं। इधर देखिए डॉल्स ये बनी हुई, छोटे बच्चे बनाए हुए, देखिए छोटे बच्चे, फिर धीरे धीरे करके थोड़े बड़े हो रहे हैं। इधर ये छोटे बच्चे हैं, इंसान वगैरह, बिंदी लगाई हुई देखिए टाइल से छोटी सी, और एक कॉस्ट्यूम कैसे बनाए हुए हैं। इधर कुछ नहीं पड़ा, कुछ तो दे दो। रॉयल म्यूजियम फेस 3, ऊपर जाने को एक और रास्ता है, सीढ़ियाँ सी बनाई हुई हैं, और इधर ऐसा लग रहा है जैसे कि गुफा है, बट गुफा नहीं है, ये वर्कशॉप के लिए एरिया बनाई हुई है अलग से। वाओ सो ब्यूटीफुल, देखिए लेक कितनी शानदार सी है। यहाँ पे गोवा में आ गए हूँ ऐसा लग रहा है, गोवा के जंगलों में नहीं आए होते इस तरह, काफ़ी घना सा लगता वैसा लग रहा है मेरे को। ये दूसरी वाटरफॉल है यहाँ पे बड़ी सी, आपको लगेगा कि बस वही वाटरफॉल है, नहीं यहाँ पे कई वाटरफॉल्स हैं, और सेल्फी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये आ गई बड़ी वाली वाटरफॉल, यहाँ सामने देखिए शिव जी, व्यू देखिए पीछे का कितना शानदार व्यू है। ये साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है, आप इतना सुंदर तरीके से रॉक गार्डन को बनाया गया होगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये पता नहीं कौन सी कलरफुल सी एरिया बनाई हुई है, नो एंट्री लिखा हुआ। तो इधर एक तरह का स्टेज बनाया हुआ, इधर ये स्क्रीन है, और इधर यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। तो अगर कोई शो वगैरह होता होगा चंडीगढ़ टूरिज्म द्वारा या किसी भी मतलब सिंगर टाइप के द्वारा, तो यहाँ पे वो शो होता है। बीच में लेक है, यहाँ सामने स्टेज है, ऊपर टीवी है, इधर साइड पे खड़े होने के लिए भी जगह है, और ये मेन बैठने की जगह। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे ये चीज़ को, तब आपको पता चलेगा कि ये गार्डन कितना अच्छा है। वो देखिए झरना ऊपर से आ रहा है नीचे तक, बड़ा यूनिक झरना बनाया हुआ, सारा का सारा रॉक गार्डन कितना शानदार है ये, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक और एरिया बनाई हुई है जाने के लिए, तो चलिए आगे को चलते हैं हम। शायद इधर ऊपर जा नहीं सकते हम, ये एरिया सी बस दिखाने के लिए बनाई हुई है, ऊपर इधर जा नहीं सकते शायद। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एरिया आ गई है, बहुत ही बड़ी एरिया, सबसे अच्छी एरिया है, सबसे खुली एरिया यहीं पे है। वाओ ये देखिए अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं रॉक्स, कोई गर्दन पीछे, कोई हाथ ऊपर, कोई गर्दन मोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये आएगा कोई सिक्योरिटी गार्ड सा लग रहा है मेरे को, ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, मतलब कुछ दिखाने के लिए। इधर भी ये सारी बैठने की एरिया है, और यहाँ पे सारे के सारे स्विंग्स बनाए हुए हैं, ऊपर घोड़े भी देखिए बने हुए हैं, वो ऊपर घोड़ा चढ़ा हुआ है, रॉक से बनाए हुए हैं घोड़े, और इधर सारे स्विंग्स ही स्विंग्स हैं आगे तक।
तो ये सारी आर्ट एंड म्यूजियम गैलरी है, लिखा है यहाँ पे आर्ट एंड म्यूजियम गैलरी। ये आई थिंक पतलू बनाया हुआ है। अच्छा, कोई पंगड़ा पा रहे हैं ये चुटके, और ये राजू, बाकी ये भी कुछ बना हुआ है। इसके साथ यहाँ पे निकलोडियन में आते ना स्पॉन्ज बॉब, वो बनाया हुआ है, टाइल्स को तोड़ के बनाया हुआ। इधर भी कुछ बना हुआ है, ये बरगद के पेड़ नहीं होते वो लग रहे हैं मेरे को, और बरगद के पेड़ ही हैं शायद, बट ये रॉक से बनाया हुआ है बरगद के पेड़। और इधर ये देखिए, ये फाउंटेन चल रहा है, ये घोड़ा बना हुआ देखो, सारे घोड़े ही घोड़े हैं ऊपर। ये बुल बनाई हुई है रॉक से, इधर से एंट्री नहीं, इधर से एंट्री है। तो चलिए अंदर चलते हैं इस वाले एरिया के। इनॉग्रेशन ऑफ राग डॉल्स म्यूजियम, ये 2017 को हुआ था, राग डॉल्स म्यूजियम। तो ये डॉल्स वगैरह बनाई हुई हैं, लेकिन इंडोर में, ये इंडोर में डॉल्स बनाई हुई हैं। बहुत से लोग इस जगह को मिस कर देते हैं देखना, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जगह आप देख के जरूर जाएँ। वाटरफॉल के पीछे से रास्ता आता है, ये कैमल के साथ खड़ा बंदा, और इधर ये डक्स बनी हुई हैं, ये देखिए डक्स। आगे एक और एरिया है, यहाँ से सारे सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर है एरिया। ये झूला झूल रहे हैं, ये हरियाणवी फैमिली है शायद। अलग अलग डॉल्स के साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं अपनी। यहाँ मैंने सोचा नहीं था इतना सुंदर होगा ये डॉल्स म्यूजियम। ये भी कुछ बना रहे हैं देखो हाथ से। अच्छा, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पे। कैसे कैसे बनाया देखिए, ये शायद रॉक से बनी है या ऐसी डॉल्स हैं पता नहीं, लेकिन आई गेस ये रॉक से नहीं बनी है, हाथ नहीं लगा सकता ना वो, ऐसे गैस ही करना पड़ रहा है मेरे को। ये पीकॉक बनाया हुआ, और इधर भी एक वो एरिया, ये कुआँ है देखिए, कुआँ में से पानी निकाला जा रहा। दूल्हा बना हुआ है यहाँ पे, दूल्हा दुल्हन, ये पालकी में जा रही है दुल्हन, बहुत सुंदर। और सारे ये भी गायें बनाई हुई है यहाँ पे, भाई साहब इतना सुंदर, कितनी सुंदर एरिया देखिए। तो ये सारा राग डॉल्स म्यूजियम था। यहाँ पे ये लाफिंग मिरर्स भी हैं, यानी जादुई शीशे। तो चलिए जादुई शीशे में देखते हैं, मोटे छोटे पतले वगैरह होके देखते हैं खुद को। पहले क्या होता हूँ मैं, ये तो मैं छोटा हो गया, मेरी टांगे लंबी हो गई और मैं ऊपर से छोटा हो गया, और इसमें क्या हो रहा है मेरे को, और इसमें मैं छोटा लग रहा हूँ, उसमें मैं लंबा लग रहा था, इसमें मैं छोटा लग रहा हूँ। और आगे देखते हैं क्या है इसमें क्या है। ये देखिए गाइस क्या बन गया मैं, ये क्या बन गया इतना छोटा। फिर आगे ये क्या, मतलब अलग अलग टाइप के शीशे बनाए हैं भाई ये, इसमें मोटा लग रहा हूँ मैं, मोटा बन गया नहीं, हाँ यहाँ थोड़ा मोटा लग रहा हूँ मैं, अलग अलग शीशे, इसमें लंबा बन गया, इसमें फिर से छोटा बन गया। ये सारा जादुई शीशे का एरिया। और जब आप फेस थ्री में आते हैं तो एग्ज़िट वहाँ सामने से नहीं है, एग्ज़िट यहीं से है, तो जो वो वाटरफॉल वगैरह देख के गए थे एग्ज़िट वहीं से है, समझ गए ना। इसके अलावा यहाँ पे एक फ़िश एक्वेरियम भी बना हुआ है, जी हाँ फ़िश एक्वेरियम भी है, और इधर अलग अलग फ़िश का नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सी फ़िश आप देख रहे हैं, गोल्ड फिश। ये वाली है कोई फिश, मुझे नहीं पता था एक्वेरियम भी है ये रॉक गार्डन के अंदर। अब आगे है टिन फॉयल बार फिश, बहुत ज्यादा मछली है यहाँ पे, वो थोड़ा उधर से रोशनी आ रही है तो क्लियर दिख नहीं रहा, मैं को पास करके दिखाना पड़ रहा, बहुत मछली है यहाँ पे।
इधर भी मछलियाँ, ये देखिए ये कैसी मछलियाँ चिपकी हुई हैं, सोई हुई क्या? ओ वाह, ओ वाह, शार्क मछली, शार्क का कौन सी है ये, डांस कर रही है। उसके बाद यहाँ पे है टाइगर शार्क फिश, टाइगर शार्क फिश है ये रही सामने, टाइगर शार्क फिश, दो दो टाइगर शार्क फिश हैं। और आ गया सकर कैट फिश, ये भी वही ब्लैक रंग की थी, वो मैं आपको दिखा नहीं रहा था जो ऐसे डांस कर रही थी, वो सकर कैट फिश है। और इधर कैट फिश भी है, ऑस्कर फिश भी है, ये देखिए ऑस्कर फिश कितनी बड़ी फिश है, ये बहुत बड़ी फिश है ये ब्लैक रंग की, दो दो फिशेस। पीछे से रिफ्लेक्शन आ रही है, क्लियर फोटो आ नहीं पा रही ऑस्कर फिश। और यहाँ पे इस तरफ ये बंगड़ा वगैरह अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। ये पीकॉक देखिए कितना शानदार लग रहा है, उधर टाइगर है, बिल्ली, इधर भी कोई टाइप की बिल्ली सी बनाई हुई है। अंदर आपको ये फेस 3 के अंदर फास्ट फूड कॉर्नर पे दिख जाएगा, सेल्फ सर्विस है, और इधर आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा, चाय, कॉफ़ी, पैटी, प्राइस वगैरह लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे प्राइस लिखे हैं, समोसा, मफिन, कोल्ड कॉफ़ी, ड्रिंकिंग वाटर सब मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ गोलगप्पे, आलू टिक्की, चाट पापड़ी, दही बल्ले, कॉर्न वगैरह सब मिल जाएगा, पिज़्ज़ा भी है, 90 रुपये का पिज़्ज़ा है। और ये एरिया बनाई हुई है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के खा पी सकते हैं, इधर से आप ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। यहाँ पे एक सुविनियर शॉप भी है, रॉक गार्डन फेस 3 में सुविनियर शॉप भी है, उसे 2010 में इनॉग्रेट करा गया था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं घोड़े भी बने हुए हैं, घोड़े के शक्ल में, ये दो छोटे इंसान से इधर यहाँ पे आई गेस योगा कर रहे हैं। वो छोटे छोटे रास्ते हैं रॉक गार्डन के, ओ वाओ सो ब्यूटीफुल। इधर देखिए सबसे ज़्यादा स्कल्पचर्स आपको इसी एरिया में मिल जाएंगे। और इधर ये बंदर बैठे हुए हैं छोटे छोटे, इन्होंने लगाया हुआ ग्लास के, लोग ऊपर ना चढ़े, ये सारे बंदर बैठे हुए हैं, देखिए ये बंदर बैठा हुआ। और अलग अलग जानवर देखने को मिल जाएंगे, ये पता नहीं चीता है क्या है ये, और ये हाथी बनाया हुआ, ये हाथी है, ये बैल है, पता नहीं क्या है, ये घोड़े हैं, ये भी कितना अच्छा लग रहा है। खाना परोस रहे हैं, ऐसा लग रहा है खाना परोस रहे हैं, और फैमिली के साथ जैसे सब खड़े हुए हैं, वो शराब पी रहा क्या पता नहीं। इधर भी लोग पोज करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी कई तरह के लोग हैं इस तरीके को पोज करके खड़े हुए हैं इस तरफ को मटके के साथ। फिर यहाँ पे ये कैमल भी बनाया हुआ, देखिए कैमल, ये कैमल है, और ये पता नहीं क्या है, दरियाई घोड़ा क्या है, ये कुत्ते बने हुए हैं, ये कुत्ते। उसके बाद ये लड़कियाँ डांस कर रही हैं, अलग अलग गुड़िया बनाई हुई है, फिर एग्जिट करने का एरिया यहाँ से। ये रंग बिरंगी कॉस्ट्यूम बनाई हुई है बैंगल से, यानी चूड़ियों से बनाई हुई है, चूड़ियों से बनाई हुई है। इधर ये पीकॉक बना हुआ है चूड़ियों से, ये भी डांस कर रहा है, देखो कैसे डांस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के मतलब दिख जाएंगे ग्रुप में आपको डॉल्स वगैरह। ये कौन सी सी एरिया आगे देखिए, इधर कोई एक और एरिया, ये घोड़े पे आर्मी मैन बैठा होगा, ये सारे आर्मी के हैं, सोल्जर्स बनाए हुए हैं, सोल्जर, ये सोल्जर्स हैं। और इधर ये मटकों के साथ खड़े हुए हैं कोई इंसान वगैरह। भाई साहब ये तो ख़त्म होने का नाम ही ले रहा है, इतना बड़ा ये रॉक गार्डन है। ये देखिए इधर भी चूड़ियों से बनाया हुआ है, ये टॉयलेट या वॉश बेसिन का देखिए कैसे यूज़ करके ये दीवारें बनाई हुई हैं। वो भाई साहब सांप बना हुआ है, सांप, चूड़ियाँ
चमक तो एक अलग ही है ये रंग बिरंगी वालों की। बिल्कुल समझ नहीं आता किस तरह से निकला जाए। और ये हमने फाइनली एग्जिट कर लिया है। बहुत अच्छी जगह मेरे को रॉक गार्डन लगी, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी जगह मेरे को लगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।